चरणों में पहुंचे तब सूरज ढल चुका था, सूर्योदय के पहले निकले थे और सूर्यास्त के बाद पहुंचे। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम देख कर आए? बोले हाँ। तो मौसम तो खराब हो गया? कि साई मौसम तो खराब हो गया, लेकिन वो तुम्हारा जो साधक था ना आशारा, तो भाँ साई ऐसा वैसा रो युक्ति मुक्ति से पटा पुटा के हमको आखिर वहां ले गया। और बाबा हम वहां गए ना तो मौसम खुल गया, मौसम साफ हो गया। बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी आज्ञा मौसम भी मानेगा और बादल भी मानेंगे। तब से लगा कि उनको तो चाइना पीक देखने को मिला और मुझे तो गुरु कृपा का अनुभव होने लगा। जय राम जी। वे लोग मूर्ख हैं जो गुरु के साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। इतना पैसा दे दो हम ढोलक बजा के छुट्टी। अरे मूर्ख तो कुछ नहीं कमाया, रोज के 200 रुपया दे दो ले जा 200 रुपया, कैसे बजाने के रोज के 400 दे दो ले जाओ। लेकिन हम न जाने क्या देना चाहते हो, तुम कितना लेकर खुश होते हो, बुद्धि काम नहीं दे रही। जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण। पैसा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजरों में नौकर है, लेकिन कृपा लेकर जो सेवा करता है वो मेरी नजर में साधक और साध्य के साथ मुलाकात करने का अधिकारी होता है। मैं साधक को डांट सकता हूँ लेकिन नौकर को नहीं डांटता हूँ। नौकर का पगार कट करवा सकता हूँ लेकिन डांटने का अधिकार अपना नहीं मानता। जयराम जी कल इन लोगों को कहा ठीक से बजाओ नहीं तो पैसे कट जाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा नारायण 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 नारायण। तो आत्म कृपा, अपने आप ऊपर कृपा करे कि हम कैसा व्यवहार करें गुरु के साथ, इसका नाम है आत्म कृपा। ये आत्म कृपा करेंगे तो गुरु कृपा बचेगी और गुरु कृपा बची तो शास्त्र का रहस्य खुलेगा और ईश्वर की कृपा तो अनावृत है ही है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने आप ऊपर कृपा करते कि नहीं करते, आत्म कृपा करते हैं कि नहीं करते। उस पूरन पूरे ने आत्म कृपा की। एकनाथ जी महाराज का बेटा, उसने अपने आप ऊपर कृपा नहीं की। उस मूर्ख ने शास्त्र तो पढ़े लेकिन गुरु कृपा कैसे पाई जाए, वो तो पिता की नजर से ही गुरु को तोलता रहा। कभी रूठ जाए, कभी काशी जाकर रहे, कभी कुछ, कभी बोले आप ये ठीक नहीं करते, पिताजी आसन को करा। अरे मूर्ख पुत्र तेरे को काय पता। उस शास्त्री पढ़े हुए श्रद्धाहीन को शास्त्र दिया गया पूरा करने के लिए, उससे पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से अपना दिल नेछावर कर चुका था, अनपढ़ विधवा माई का पुत्र, पूरन पूरा कढ़ंगी आदत से अपना असली नाम भी खो चुका, लेकिन एक सढ़ंगी आदत थी कि बस गुरु को देखते, गुरु मूर्ति को देखते 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 बस तू ही गुरुदेव माजा है, तू ही माजा विठल आए, तू ही माजा रामा आए, तू ही माजा श्यामा है, तू ही माजा नाथा है, हे नाथ तू ही माजा स्वामी आहे नाथा है। ऐसा करते करते पूरन पूरा ऐसा गुरुमय हो गया कि वो पंडित शास्त्री पढ़ा हुआ जो ग्रंथ पूरा करने में असफल गया, वही ग्रंथ पूरन पूरा को दिया गया और पूरन पूरा गुरु की तादात में करते हुए और जो ग्रंथ लिखना चाहे तो ही वह सरस्वती उसके हाथों के द्वारा गुरु कृपा का परिचय देते हुए ग्रंथ को पूरन पूरा ने पूरा कर दिया। ऐसा ही शंकराचार्य के चार शिष्यों में एक ऐसा अनूठा शिष्य था, परम भाग्यशाली, जिसका नाम था तोटक। ऐ तोटक लाओ, ऐ तोटक ये करो, ऐ तोटक ये करो। तीन बड़े विद्वान थे, मंडन मिश्र पंडित में से शास्त्रार्थ करते करते, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते करते परास्तु और तब शिष्य बने। कितने दबंग होंगे वो, उनके घर में तो तोते मैना भी वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे, वो इतना
गणंग पंडित था मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, ये तीन शिष्य और चौथे हो गए तोटकाचार्य। तो तोटकाचार्य आचार्य नहीं थे, तोटक था वो। तीन शिष्य तो विद्वान धुरंधर पंडित और चौथा था बुद्धू सिंह। सुंदेसी तो सिंह वो सिंह, चौथा था बुद्धू सिंह। वो बोला मैंने बाबा दी सेवा गड़ी है, वो बहुत हो गया, मैंने तो बाबे गुरु दी सेवा है बस। वो गुरु दी सेवा में लगा रहा बंदा, पाठ के समय आ जाता था। एक दिन वो गुरुजी के बर्तन मांजने में लगा था तो तीन चले आ गए, गुरुजी पाठ शुरू करो समय हो गया। गुरुजी बोले वो आ जाए चौथा। बोले गुरुजी वो तो बुद्धू है, बुद्धू सिंह है वो तो, इन्हों की पता है। बोले ये बुद्धू गुरु की सेवा करने वाला बुद्धू रह सकता है? शबरी राम की गुरु की सेवा करी और शबरी बुद्धू थी क्या? बेटा तो तक ये जो लोग पढ़ेंगे वो तू जरा बोलते आना, जो इनको याद है वो भी गुनगुनाता और जो ये याद करने वाले हैं वो भी तो उच्चारता। आजा बेटा। तो तक के हाथ में तो गुरु के बर्तन मांजने की राख थी लेकिन जीवा पर तो सरस्वती ने प्रवेश कर लिया। तो तक कहता है प्रातः स्मामी हृदय संस्फुर्त आत्म तत्वम सचित्त सुखम परम गति तुर्यम यत् जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद् ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। हम प्रातः काल उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है और तीनों अवस्थाएं बदलने पर भी जो है और जो निष्कलंक है उस ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं, वह ब्रह्म बन गया है। तीन शिष्यों को तो मैं धन्यवाद करता हूँ लेकिन वो चौथे शिष्य को तो मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य है तेरी गुरु भक्ति को। विवेकानंद में विद्वता थी, दर्शन शास्त्र में गति थी, जब रामकृष्ण मिले रामकृष्ण देव के लिए गुरु भक्ति जभी, तभी नरेंद्र में से विदिशानंद बने और विदिशानंद में से विवेकानंद प्रकट हुए गुरु भक्ति का प्रभाव। एक बार रामकृष्ण परमहंस बीमार हालत में पड़े थे, कैंसर की तकलीफ थी, गले में बड़ी तकलीफ थी, खांसते खांसते वो थूकदानी में थूक डालते थे। उनकी सेवा में रहा हुआ कोई मूर्ख शिष्य सूप चढ़ाते चढ़ाते सेवा करता था और विदिशानंद आए और देखा कि गुरु की सेवा करने में इसको जरा कहरत आ रही क्योंकि वो रक्त और थूक से मिला हुआ उनका थूक दानी में थूक फेंकते तो जरा ऐसा तो नाक सकोड़ के सेवा करता। विदिशानंद ने उसको डांटा कि मूर्ख गुरु का तो हृदय चिन्मय होता है, उनके रक्त का कण कण चिन्मय होता है, उनकी निगाहों से वह ब्रह्म रस टपकता है, ऐसे ब्रह्मवेता की सेवा में तू सुख करता है ये अशुद्ध मानता है। उसको डांटते हुए जो विदिशानंद भाव से भर गए और उतावल में आकर वो जो थूक दानी में गुरु की ये थूक और ये पड़ा था वो अमृत समझ कर पी गए। लोग ऐसा करें ये मेरा कहने का आशय नहीं है लेकिन विदिशानंद जानते थे कि वो चिन्मय चैतन्य जिनके हृदय में है वो महापुरुष कितने उत्तम और उन्नत होते। ऐसी एक घटना समर्थ रामदास के शिष्यों के साथ भी घटी। कल्याण नाम का शिष्य गुरु की कृपा को इतना झेल चुका क्योंकि अपने आप ऊपर उसने कृपा की थी, उस पर गुरु की थोड़ी विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। शिवाजी पर गुरु की विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी तो शिवाजी का भी मनोबल गुरुजी ने दिखाने के लिए एक दिन लीला की। गुरुजी ने सच्ची पीड़ा से भी पीड़ा का नाटक खतरनाक पैदा किया जा सकता है, सच्चे रुदन से भी रुदन का नाटक दर्शकों को रुला देता है।
जब स्टेज पर कोई नाटक करता है रुदन का पीड़ा का तो दर्शकों की आंखें गीली हो जाती है और उस पत्थर के भीतर कुछ भी नहीं होता। तो गुरु ने नाटक किया, शिष्य विवल हो गए, गुरु जी क्या पीड़ा है, मत पूछो। गुरु ने लीला की, गुरु की पीड़ा देख